कहानी अंकल प्लीज लिफ्ट कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका वागर्थ में जून 2012 में प्रकाशित हुई थी। इसमें कथाकार डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र ने महानगरों में घटित हो रहे भावशून्य प्रेम संबंधों का एक जीवंत रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत है इस कहानी का पाठ। कहानी का शीर्षक है अंकल प्लीज लिफ्ट। सुयश को सोना द्वारा अभी भी अंकल कहा जाना बेजा नहीं लगता। जब सोना ने उससे पहली बार लिफ्ट मांगी थी, अंकल प्लीज आई एम टू लेट एक्चुअली आज मुझे अपनी नई नौकरी ज्वाइन करनी है, तो उसने झट बाइक रोककर उससे उसके ऑफिस का पता पूछा और रेड लाइटों की परवाह किए बिना उसे उसके ऑफिस के गेट पर ड्रॉप कर दिया। सोना तो इतनी हड़बड़ी में थी कि वह जाते जाते उसे थैंक्स भी कहना भूल गई। बस सीने से फाइल चिपकाए हुए रिसेप्शन काउंटर से एंट्री पास लिया और लिफ्ट से थर्ड फ्लोर पर एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में हौंफते हुए घुस गई। कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सेक्शन का बाबू रामलाल उसे उसका सेक्शन दिखाने फर्स्ट फ्लोर पर ले आया और सेक्शन के सामने खड़े होकर उससे इशारे से कहा, मिस सोना शर्मा दिस इज योर सेक्शन, विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर न्यू करियर। रामलाल मुस्कुराते हुए वापस चला गया। सोना खड़े खड़े सोचती रही कि आज उसकी नौकरी का पहला दिन है, लेकिन घबराहट से उसका सारा बदन कांप रहा है। उसने झिझकते हुए हिंदी सेक्शन का दरवाजा खोला, मे आई कम इन। सेक्शन अफसर ने हाथ उठाकर उसका स्वागत किया, यस कम इन। ओह अंकल आप यहाँ। सोना का मुंह खुला रह गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि जिस आदमी से वह लिफ्ट लेकर ऑफिस तक पहुंची थी वह उसका बॉस है। सोना अपने कान के पास छिलछिला आए पसीने को पोछते हुए झेपसी गई, आई एम सो सॉरी सर कि आपको थैंक्स कहना भी भूल गई। दरअसल पीछे मुड़कर देखने तक का समय मेरे पास नहीं था। अपॉइंटमेंट लेटर में 10 बजे तक ऑफिस पहुंचने का निर्देश था, जबकि जब मैंने आपसे लिफ्ट मांगी थी उस वक्त 11 बज रहे थे। सुयश ने उसकी पूरी बात सुने बिना खड़े होकर उसका स्वागत किया, कोई बात नहीं आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए सब माफ है। आओ मैं तुम्हारे साथियों से परिचय करा देता हूँ। मैं सुयश सक्सेना हूँ, तुम्हारा लिफ्टदाता, और ये है। उस दिन सोना सुयश के मनोविनोदी स्वभाव के कारण उससे इतनी घुल मिल गई थी कि वह उससे बातें करते हुए अंकल अंकल की ही रट लगाए जा रही थी। लंच टाइम में जबकि सुयश बाहर गया हुआ था, मैग्मा ढींगरा ने सोना के कान में फुसफुसाकर कहा, सोना अरे तुमने अपने साहब से क्या अंकल अंकल का रट लगाए रखा है? अफसर के मुंह लगना कोई अच्छी बात है क्या? गधे के पीछे और अफसर के आगे आना बिल्कुल ठीक नहीं होता। सोना को ढींगरा की बातें पहेली की तरह लग रही थी। जब उसने ढींगरा का आशय समझने के लिए सपना बिष्ट की ओर आंखें मिचमिचाई तो उसने आंख मारकर कटाक्ष किया, कोई बात नहीं सोना साहब छोरियों के आगे जाल डालने के बड़े शौकीन है, पर मजाल क्या कि कोई मछली जाल में फंस जाए, वरना क्या। ढींगरा मैडमन ने सपना बिष्ट की जांग पर चिकोटी काटी, वरना साहब के हाथ अब तक पीले हो गए होते। अरे मर्दों के नहीं औरतों के हाथ पीले होते हैं, ढींगरा उसके व्यंग्य को ठीक से नहीं समझ पाई। सोना को सारी बातें समझ में आने लगी। उसने शर्म से लाल हुए चेहरे को झुका लिया। तो क्या अंकल जी अभी तक बैचलर है? वह अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पाई। ढींगरा ने उठ पर जीभले सोते हुए कहा, साहब 42 के हुए तो क्या हुआ, उनके लिए 20-22 की लौंडिया खूब चलेगी। अरे हाँ याद आया, ऋचा कपूर सालों से उनके चक्कर में है, पर सुयश सा बतो उसके आगे घास तक डालने की जरूरत नहीं समझते। सपना खुलकर ऑफिस में चल रहे प्रेम प्रपंचों का पोल खोलने में जुट गई। काश मैं भी कुवारी 20-22 की लौंडिया होती, ढींगरा ने आह भरते हुए अपनी आंखें सोना पर जमा दी। तो क्या हुआ, भले ही तुम 20 की नहीं हो ढींगरा, पर तुम 20-22 की लौंडियों से किसी भी तरह कमतर नहीं हो। पीछे से सुयश के इस अप्रत्याशित उवाच से तीनों औरतें सकप का गई। सपना बिष्ट ने आंखों ही आंखों में ढींगरा से कहा, बड़ा बदतमीज आदमी है, पता नहीं कब से यह चुपचाप सेक्शन में आकर हमारी बातें सुन रहा है। ये मर्द भी बड़े शौक होते हैं, औरतों के साथ चोंच में चोंच डालकर बात करने के मौके ढूंढते रहते हैं। ढींगरा ने भी आंखों ही आंखों में कहा, इसकी तो पुरानी आदत है हम औरतों की छिपकर बातें सुनने और बीच में टांग अड़ाने की। सुयश की उपस्थिति से अनजान सोना भी झेपते हुए अपनी कुर्सी पर जा बैठी।
शाम को जब सोना बस स्टैंड पर खड़ी खड़ी बस का इंतजार कर रही थी और काफी देर के बाद भी जब उसकी बस नहीं आई तो वह उकता कर शेड के नीचे बेंच पर बैठ गई। बैठे बैठे झपकी लेते हुए वह अचानक चौंक सी गई। उसने साफ सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। पता नहीं किस ओर से आवाज आई थी। उसने बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे लोगों को बारी बारी से ध्यान से देखा, पर उनमें से कोई भी ऐसा परिचित चेहरा नहीं था जो उसे बुलाने की जहमत उठाता। वह फिर सिर झुकाकर बेंच पर बैठ गई। तभी वह दोबारा चौंक गई, जैसे कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं था। बेकार वहम कर रही है वह। लेकिन जो फुसफुसाहट उसने फिर सुनी वह सचमुच वहम नहीं था। सोना, अरे अभी तक तुम्हारी बस नहीं आई। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तुम्हें गौतम नगर जाना है और मुझे साकेत, दोनों का रूट एक ही है। बस तुम जरा पहले उतर जाओगी। सुयश उसके सामने बाइक की हैंडल पर अपने हाथ टिकाते हुए आराम से खड़ा था। सपना उसे देखते ही भौचक रह गई। तो क्या अंकल ही उसे आवाज दे रहे थे या पीछे से कुछ? उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अरे अंकल, आपको कैसे पता कि मैं गौतम नगर में रहती हूँ? तुम्हारा बायो डाटा तो महीनों से अपनी पॉकेट में लिए घूम रहा हूँ। सुयश खिलखिलाकर हंसने लगा। वह फिर बोल उठा, अरे सोना, मुझे काफी पहले पता चल गया था कि तुम्हारी पोस्टिंग मेरे सेक्शन में होने जा रही है। जब तुम्हारा वेरिफिकेशन चल रहा था तो क्लर्क रामलाल ने तुम्हारा बायो डाटा मुझे दिखाया था। सुयश ने सोफगोई करके सोना के मन में उठ रही शंकाओं को शमित कर दिया। सोना ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, अपराध भाव का कोई भाव नहीं था। सोना न चाहते हुए भी बरबस सुयश की बाइक पर बैठने की चेष्टा करते हुए लड़खड़ा सी गई। अगर सुयश उसकी बांह थाम नहीं लेता तो वह बेशक गिर जाती और उसकी ठुड्डी बाइक से टकरा जाती, पर सुयश द्वारा उसकी बांह पकड़ना उसे रास नहीं आया क्योंकि पास खड़ा लड़का उस पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर सोना बिल्कुल सामान्य नहीं थी। सुयश अंकल से लिफ्ट लेना कहीं महंगा न पड़े, कहीं सुयश अंकल उसे उबलाइज करके। उम्र दराज मर्दों का तो कोई मारल ही नहीं रहा। नहीं नहीं, आइंदा वह उनसे कतरा जाएगी, उन्हें देखकर भी न देखने का बहाना बनाएगी। कहीं उसके बॉयफ्रेंड जय ने उसे सुयश अंकल के साथ देख लिया तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उसे जय का शक्की मिजाज तो अच्छी तरह पता है। वह इतनी थक गई थी कि खाना खाने के बाद बेड पर पड़ते ही खर्राटे भरने लगी। सुबह उठने के बाद उसे ताज्जुब हुआ कि वह सारी रात ऊटपटांग सपने देखती रही। सुयश से लिफ्ट न लेने की कोशिश करने के बावजूद बार बार उसी की बाइक के पीछे खुद को बैठी हुई पा रही थी। वह ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकली ही थी कि जय का फोन आया। सारी सोना, मैं कल तुम्हारी नौकरी ज्वाइन करने पर विश नहीं कर सका। दरअसल मुझे मौका ही नहीं मिला। मेरी बात सुनैना ने जाते और आते दोनों बार अपनी कार में लिफ्ट दिया और मेरे सेक्शन में भी पूरे टाइम मेरे साथ रही। पता नहीं क्यों वह मुझे इम्प्रेस करना चाहती है। सोना को उसकी बात से तनाव सा होने लगा। उसे जबरन मोबाइल पर बात बंद करनी पड़ी। जय, ऑफिस पहुंचकर बात करती हूं। क्योंकि सुयश ठीक उसके आगे बाइक रोककर खड़ा था। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि सुयश उसकी गली के मोड़ तक आ सकता है। कल तो उसने उसके कहने पर उसे मेन रोड पर ही छोड़ दिया था। सुयश ने सीटी बजाने की मुद्रा में अपने होठ सिकोड़ दिए। मैं मेन रोड से गुजर रहा था कि अचानक याद आया कि तुम्हें तुम्हारी गली से ही पिकअप कर लूं, तुम्हें खामखा चलकर बस स्टैंड तक जाने की जहमत उठाने से रोक दूं। मुझे जनसेवा और खासकर मैडमो को मदद करके बड़ा सुकून मिलता है। सोना को लगा कि जैसे वह दरबे में बंद मुर्गी की तरह है जिसे कसाई जबरन हलाल करने के लिए बाहर निकाल रहा है। सेक्शन में सुयश और सोना का साथ साथ कदम रखना पूरे ऑफिस के लिए एक बड़ी खबर थी। गपशप का बाजार तो इतना गर्म था कि लोग ऐसी बातें भी कर रहे थे कि सोना और सुयश का पुराना याराना है। इतना ही नहीं, सोना सुयश के गुप्त इरादों की पहले ही भेंट चढ़ चुकी है और शादी के पहले ही उसके पांव भारी हो चुके हैं। ऑफिस में दूसरे ही दिन सोना एक लव स्कैंडल के झूठे अफवाह में फंस चुकी थी। चाहे वह कैंटीन में चाय पीने गई हो या टॉयलेट में निपटने, उसे इस बात का पूरा एहसास हो रहा था कि लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं और उसके बारे में नाजायज बातें भी कर रहे हैं। सेक्शन के काम में पूरी तरह दचित रहने की कोशिश करने के बावजूद उसका ध्यान ढींगरा और सपना के बीच लगातार चल रहे गुफ्तगू और आंख मिचौली की ओर खींचा जा रहा था।
लंच आवर में उसने दोनों मैडमों के पास जब जब बैठने की कोशिश की, वे छिटक कर उससे ऐसे दूर जा बैठती जैसे कि वह कोई अछूत हो। शाम होने तक हर पल उसे पागल कुत्ते की तरह काटने को दौड़ता हुआ सा लग रहा था। बहरहाल शाम को जब फिर सुयश ने उसे लिफ्ट देने के लिए ऑफिस के गेट पर ही लापक लिया तो वह कोई गुरेज किए बिना धम्म से उसके पीछे बैठ गई। इन्हीं दो दिनों में ही उसे सुयश से लिफ्ट लेने की आदत सी पड़ गई थी। कोई 7 बजे घर में कदम रखते ही उसे यकबायक याद आया कि सुबह जय से उसकी बात अधूरी रह गई थी। उसने बार बार जय को नंबर मिलाया पर उसका मोबाइल व्यस्त जा रहा था। उसे यह सोचकर कुफ्त हो रहा था कि कम से कम उसने ऑफिस पहुंचकर जय को एक बार फोन तो कर लिया होता। आखिर जय उसकी जिंदगी में उसके करियर से ज्यादा अहमियत रखता है, लिहाजा कोई 2 हफ्तों से जय के मुंह से बार बार सुनैना की चर्चा सुनकर उसका मन गुबार से भरता जा रहा था। किसी औरत से इस तरह जय की बढ़ती नजदीकियां उसके तनाव का कारण बनती जा रही थी। भले ही वह तलाकशुदा औरत जय से कोई 12 साल बड़ी है, लेकिन आग और पेट्रोल का पास पास रहना तो निसंदेह किसी बड़ी घटना का सबब बन सकता है। उसने बेड पर लेटे लेटे अपने पेट पर हाथ फेरा। उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था कि उसकी लगातार गलतियों और असावधानियों के कारण जय का अंश उसमें समा चुका है जो उसके भीतर सांसें ले रहा है। सुबह जय से मिलकर इस बारे में जरूर बातें करेगी। अब तो उसके साथ घर बसाने में जय को कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि वह भी अब नौकरीशुदा हो चुकी है। सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते समय उसे जोर की मितली उल्टी आई तो उसने सामने खड़ी अपनी मम्मी को सफाई दी कि कल शाम से सर्द हवा से उसका सीना झाकड़ गया है, लेकिन वह बेवजह रही मितली उल्टी का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। उसने तय किया कि सबसे पहले उसे जय को बताना होगा कि वह उसके बच्चे की, इसलिए उसे आज सुयश से कन्नी काटनी होगी, अन्यथा वह देखते ही उसे लिफ्ट का ऑफर देगा और उसे ऑफिस जाना पड़ेगा। उसने पेड़ की ओट में खड़ी होकर जय को नंबर मिलाया पर उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी कॉल रिजेक्टेड जा रही है। आखिर जय ने मेरे मोबाइल नंबर को रिजेक्टेड कॉल में क्यों डाल रखा है? वह भुनभुनाते हुए एक थरी वीला को इशारे से बुलाया, हौज खास चलो। रास्ते भर वह सोचती जा रही थी कि आज अचानक जय के ऑफिस में दस्तक देकर उसे सरप्राइज देगी और अप्रत्याशित रूप से उसे जो खुशखबरी देगी उससे वह खुशी के मारे कुलांचे भरने लगेगा। थरी वीला से उतरकर वह सीधे जय के सेक्शन में घुस गई, पर वह वहां नहीं था। उसने उसके स्टेनो से जब उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि जय साहब सुनैना मैम के साथ सरोजिनी बाजार में मार्केटिंग करने गए हुए हैं। उसका माथा ठनका, आखिर अपनी बास के साथ मार्केटिंग करने जाने का क्या मतलब है? काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं आया तो वह बाहर लान में जाकर टहलने लगी। वहीं से उसने ऑफिस में सुयश अंकल को फोन कर दिया कि वह आज ऑफिस नहीं आ सकेगी। इसी बीच जय के स्टेनो ने आकर उसे यह जानकारी दी कि जय साहब आज पूरे स्टाफ को एक पार्टी दे रहे हैं और वह आपसे सीधे बैंक्वेट हॉल में मिलेंगे, तो सोना अंदर जाकर बैंक्वेट हॉल में ही उसका इंतजार करने लगी। उसे यह सोचकर जय पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी के बारे में उसने उसे बताया क्यों नहीं, लेकिन वह किस उपलक्ष्य में अपने स्टाफ को पार्टी दे रहा है? आज उसका जन्मदिन भी तो नहीं है। बैंक्वेट हॉल को इतने करीने से सजाया गया था कि कोई यह नहीं कह सकता कि कोई मामूली आयोजन किया जा रहा है। हाँ, बहुत संभव है कि जय का प्रमोशन हुआ हो और इसी उपलक्ष्य में वह पार्टी दे रहा है। वह बता भी रहा था कि जल्दी ही उसका प्रमोशन होने जा रहा है। तभी एक अटेंडेंट से फिर पूछने पर उसे पता चला कि जय सरोजिनी बाजार नहीं, मैम साहब के साथ कोर्ट गए हुए हैं। इन उड़ती उड़ती खबरों को सुनकर सोना का सिर चुकराने लगा। कोर्ट जाने का क्या मतलब है? जरूर उसे अपने ऑफिस के किसी मुकदमे के मामले में कोर्ट जाना पड़ा होगा। इसी दरमियान उसे गेट पर शोरगुल सुनाई दिया। साहब और मैम साहब आ गए। जय साहब कितने किस्मत वाले हैं कि उनकी मैरिज उन्हीं की बात से हुआ। अब ये समझ लो कि साक्षात लक्ष्मी की उन पर कृपा हुई है। वसंत विहार में मैम साहब की कितनी बड़ी कोठी है। साहब और मैम साहब उसी कोठी में ऐश करेंगे। सोना को किसी से कुछ और पूछने की जरूरत नहीं थी। बात साफ थी कि जय ने अपनी ही बास के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जिंदगी के साथ एक भद्दा मजाक किया था, लेकिन यह उसके सब्र की घड़ी थी। दरअसल पछतावा नहीं, गुस्सा उसकी आंखों में समाता जा रहा था।
उसने अपनी धड़कनों पर बखूबी काबू पाया और आंखों से आंसू की एक भी बूंद छलकने न दी। वह बैंक्वेट हॉल से निकलकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई और पर्दे की ओट से सुनैना के साथ साथ चल रहे जय की प्रसन्न मुद्रा पर आंखें गड़ा दी। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि जय उसे इस तरह धोखा देगा। जय के चेहरे पर तो अपराध बोध का एक भी चिन्ह नहीं था। वह दबे कदमों से गेट से बाहर आ गई और रोड पर आकर उसने सुयश को दोबारा फोन किया। सर, मेरी छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, मैं थोड़ी देर में ही ऑफिस पहुंच रही हूँ। सोना, तुम इस वक्त कहाँ हो? घर पर तो कतई नहीं हो। जगह बताओ, मैं अभी पहुंचकर तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। सुयश जैसे अपनी बाहें फैलाए उसे थामने आने को बेताब हो रहा था। सोना ने खुद को सहयत किया और मुस्कुराने के अंदाज में बिंदास बोल उठी, सुयश सर, मैं किसी काम से हौस खास आई थी, मेरा काम पूरा हो गया है। मैं नेहरू नगर रेड लाइट से आगे वाली बस स्टैंड पर हूँ, आप कितनी देर में आ रहे हैं मुझे लिफ्ट देने? उसका अंदाज एकदम बदला बदला सा था। बस बिजली की तरह कोई 10 मिनट में ही पहुंच रहा हूँ, तुम वहीं ठहरना। सोना ने सुयश के वहां पहुंचने तक अपना समय इधर उधर चहलकदमी करते हुए काटा। उसे काफी की तलब लग रही थी। बस सुयश आ जाए, दोनों सामने काफी हाउस में बैठकर काफी पियेंगे। सुयश के आने पर उसने कहा, बड़ी देर लगा दी, कुछ और देर होती तो मुझे किसी और से लिफ्ट लेकर ऑफिस पहुंचना पड़ता। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें लिफ्ट देने की मैंने जो कसम खा रखी है, अगर तुमने आइंदा किसी और से लिफ्ट लेने की बात तक सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुयश के नथुने उत्तेजना में जोर जोर से फड़क रहे थे। अच्छा, देखूंगी कि आप अपने वादे पर कितने खरे उतरते हैं। सोना उसकी आंखों में झांकते हुए कुछ तलाशने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब दोनों काफी हाउस से बाहर निकले तो दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल रखा था। जैसे ही सुयश ने अपनी बाइक स्टार्ट की, सोना अपना हाथ उसके कंधे पर अधिकार पूर्वक रखते हुए धम्म से बैठ गई। सुयश की बाइक बिजली की रफ्तार से भाग रही थी।